वेलकम टू द कैड कैम प्रोफेशनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मीटर वेंट बनाने का एक जुगाड़ू तरीका समझाऊंगा, जहां बहुत सारे फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप मीटर वेंट तुरंत बना सकते हैं। ऑटोकैड में तो सही, लेकिन अगर आप कहीं पर सही साइड वेट पर फंसे हैं, वेंट नहीं है आपके पास, तो तुरंत इस तरीके से आप वेंट बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, ओवरली आपको समझा देता हूँ कि पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, तो जिसके तरीके से हमारा आसानी से वेंट बन जाएगा। तो जैसे किसी भी पाइप का, जैसे 3 इंच के पाइप का, 4 इंच के पाइप का, तो मैं आप 100 MB पाइप का बता रहा हूँ कि 100 MB पाइप का बेंड कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम लेंगे मीडियम रेडियस। मीडियम रेडियस होता है क्या है, हमारा डायमीटर 1.5 टाइम्स 2 रेडियस होता है। तो मीडियम रेडियस का ही बताता हूँ मैं आपको कैसे बनता है। तो सबसे पहले जिस पाइप का भी है, उसका 100 MB पाइप का हमें आउटर डायमीटर लेना है। आउटर डायमीटर आप मेजरमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नेट में सारे स्टैंडर्ड्स के डायमीटर पड़े हुए हैं। तो 100 MB पाइप का हमारा आउटर डायमीटर हो गया 114.5 mm, एंड उसका कट पीस लेंथ निकालना है। कट पीस लेंथ मतलब अगर हमको बेंड बनाना है तो एक कितना लंबा पाइप हमको चाहिए, तो ये हो गया हमारा लेंथ एक्स, इसको ही सबसे पहले निकालना है। तो वो निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला एक तो मन में याद रखना है, 114.5 × 2.4, जितना भी पाइप का ओडी रहेगा उसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर 80 का है तो 80 × 2.4, 60 है तो 60 × 2.4, एंड वो हमारा आ गया 275, 4.8 अप्रोक्सीमेटली हम उसको 275 ले सकते हैं। तो इसको 4 पार्ट्स में हम लोग बनाएंगे, 3 वेल्ड्स रहेंगे एंड 4 पार्ट रहेगा। तो उसके लिए फिर हमारा जो ये सब है, पहला पार्ट हमारा एक्स बाय लेंथ बाय 6, एंड बीच में 2 कटेंगे लेंथ बाय 3, एंड यहाँ पे लास्ट वाला होगा वो भी लेंथ बाय 6। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा लेंथ आया था पाइप का 275 mm, वही 100 MB पाइप के लिए ही मैं बना के बता रहा हूँ। 275 mm हमारा ये लेंथ हो गया, और पाइप का जो डायमीटर है एज यूजुअल हम 100 उसको ले लेंगे। इन दोनों लाइन को मैं लाइन कमांड से मिला देता हूँ, फिर से लाइन कमांड, और ये मिल गया। इसको हमें सबसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एक्स बाय 6, जो हमारा लेंथ रहेगा उससे हम डिवाइड करेंगे एक्स बाय 6। तो हमारा लेंथ है 275 mm, देन ये 275 / 6, तो ये आ गया 45.83, ऑफसेट 45.83, इधर भी सेम 45.83, क्योंकि इस साइड भी हमारा वही था एक्स बाय 3। एंड अभी हमारा बचा है 275 / 6, ये होगा, सॉरी 275 / 3, बीच वाला हमारा था 3, तो 91.66, ऑफसेट 91.66। तो अभी ये भी 91.66 आ गया है, क्योंकि ये भी उतना ही था। मेजरमेंट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, 91.66 ये भी आ गया। देन इसके बाद हमें क्या करना है ना, इस पे कट करना है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे ठीक इसके सेंटर से, और यहाँ पे एंगल देंगे। एंगल कैसे देंगे, हमारा लेस देन, हमें 15 डिग्री का ये एंगल क्रिएट करना है। ये जैसे 15 डिग्री का ये लाइन है, ये हमको कट लगाना है पाइप पे। तो उसके लिए ठीक सेंटर से ये अपने को बनाना है लेस देन, यहाँ 90 + 15, दैट मीन्स 105 डिग्री डालेंगे तो वो 15 डिग्री में लाइन चलेगी। देन ये 15 डिग्री हो गया ठीक, और इसी लाइन को ठीक नीचे की तरफ मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये हो गया। सिमिलरली ठीक इस पॉइंट्स पे भी हमको यहाँ पे 15 डिग्री का लाइन बनाना है। तो यहाँ 90 - 15 होगा, दैट्स मीन्स 75 mm, ये भी 15 डिग्री पे चला गया। ट्रिम कर दूंगा अंदर से थ्री जो हमें नहीं चाहिए, और नीचे की तरफ इसे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये सेम लाइन यहाँ पे भी रहेगा, तो इसे जस्ट मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इन सब को थोड़ा चेंज कर देता हूँ समझने के लिए। डैशेड रेड, तो ये हमारे पाइप्स ये जो कट पीस थे कट गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वन पार्ट है, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। चलिए तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ इन सब एक एक पार्ट्स को लेके हम बेंड कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले इन सब लाइनों को डिलीट कर देता हूँ, ये अभी हमें नहीं चाहिए। मैं एक रखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये सब चीजें अभी हमें नहीं चाहिए। अभी इस वाले पार्ट्स को, एक एक पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। ये सारी लाइनें मैंने ओवरराइड्स कर ली क्योंकि इसमें से मैं पार्ट्स नहीं डालूंगा। जैसे ये वन पार्ट हो गया, कंट्रोल भी, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, पाइप्स कटने के बाद कुछ इस तरह से पार्ट पार्ट्स हो जाएंगे, थर्ड, और ये लास्ट वन हमारा फोर्थ। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड सही डायरेक्शन में है, इन दोनों पाइप्स को हमें उल्टा कर लेना है। मिरर कमांड का यूज़ करूँगा, MI एंटर मिडिल में सिलेक्ट करके, और ये सेकेंड पॉइंट, और हम यहाँ पे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस हमें सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है। ये दोनों अभी हमें पलटी हो गया है, अभी इसको जनरली बस हमें अटैच करना है। अगर हम पाइप्स को मिलाएंगे एंड देन इसे अलाइन कर देंगे, रोटेट एंटर, आर एंटर रेफरेंस के लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देन सिमिलरली इसको भी रोटेट एंटर, देन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर आर एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देन सिमिलरली इसको भी रोटेट एंटर, फर्स्ट पॉइंट, आर एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड। तो ये देख सकते हैं आपका 90 डिग्री का मीटरमेंट तुरंत बन के तैयार है। अभी इसमें एक क्या हो सकता है, अगर आपको जैसे मान लीजिए ये आपने पाइप पे आप एंगल कट नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसको क्या है, आप एक मतलब ज़मीन पे मेजरमेंट ले लीजिए, मतलब कहीं पे भी लेआउट काट लीजिए एक पेपर पे, एंड उसके बाद आप ये वैल्यू को मेजर करके निकाल लेंगे। ये सारे वैल्यू हो गए, और सेम फिर इसी तरह इधर भी, ये आप देख सकते हैं जैसे ये 3218 64, ये इधर से रिवर्स हो जाता है 3218 64 59 एंड 59। तो ये आप मेजरमेंट करके ये पाइप के टॉप्स के डिस्टेंस निकाल लेंगे एंगल बनाने के बाद, एंड उसके बाद फिर इसको पाइप पे मार्किंग करके आप आराम से बेंड बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा 5 पार्ट्स में भी आप इसको बना सकते हैं, 6 पार्ट्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।